पे बहुत सारे यात्री लोग हैं जो यहाँ पे रुके हुए हैं, विश्राम कर रहे हैं। लोगों से भी निवेदन रहेगा, अगर आप कोई भी पहाड़ की यात्रा को करते हैं तो प्लीज एक दो बोतल पानी की बोतल जरूर ले लें। कहाँ से आए हैं आप लोग? जैनामढ़ से। पहली बार आए हैं कि इससे भी पहले आए हैं? पहले भी आए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से इस पहाड़ को चढ़ा जा रहा है। और मयंक आगे आगे, थक गए क्या आप लोग? हाई कर दीजिए बढ़िया। हम लोग दार्जिलिंग से। अरे एक बार इधर हाई कर दीजिएगा आंटी मुड़ के। ये देख सकते हैं हाई कर रही आंटी। गाइज ये देख सकते हैं हमारी यूट्यूब फैमिली हमारे वीडियो को वॉच करके आज लुगुबुरु घंटाबाड़ी में पहुंचे हुए। कहाँ से आ रहे हैं मैम आप लोग? जमशेदपुर, टाटा जमशेदपुर। कैसा लगा यहाँ पे आकर के? बहुत बढ़िया लगा। अच्छा लगा। और इस बार काफी लंबी लाइन आप लोगों को देखने के लिए मिल रही होगी यहाँ पे। कहाँ आए आप लोग? बीरभूम, वेस्ट बंगाल। सकलेर मन जय करो, आनंद दियो। जय बाबा। ये पूर्वज से आ रहा है, पूजा प्रकृति पूजा है। जी जी जी। और ये रहा लुगु बाबा बॉलिंग द्वार। तो चलिए अब चलते हैं। दोस्तों आज हम लोग पहुंच चुके हैं लुगुबुरु घंटाबाड़ी। आप सामने में जो पहाड़ देख पा रहे हैं ये लुगु पहाड़ है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन में यहाँ पे दो दिवसीय मेला का आगाज होता है। जी हाँ दोस्तों, आज है कार्तिक पूर्णिमा का पहला दिन और आज यहाँ पे लुगुबुरु घंटाबाड़ी का संपूर्ण यात्रा को आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ। और मैं आप लोगों को बता दूँ, ये संथालियों का विश्व का सबसे बड़ा तीर्थस्थल है। यहाँ पे देश विदेश से भी सभी आदिवासी समाज के लोग पहुँचते हैं और इस लुगुबुरु घंटाबाड़ी में पूजा पाठ करते हैं, लुगु बाबा लुगु आयो का दर्शन करते हैं। तो चलिए आज के इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को लुगुबुरु घंटाबाड़ी का संपूर्ण यात्रा को दिखाने वाला हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर आप चाहते हैं इसी तरह का ब्लॉग वीडियो देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं लुगुबुरु घंटाबाड़ी की ओर और आज की इस यात्रा को संपूर्ण यात्रा के रूप में आप लोगों को दिखाते हैं। सो दोस्तों, अगर आप चोरगावा की तरफ से आते हैं तो सबसे पहले ये लोकेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। इधर आप देख सकते हैं बड़े गाड़ी पार्किंग करने के लिए भैया लोग इधर बैठे हैं पार्किंग करवाने के लिए, और इधर आप बाइक पार्किंग कर सकते हैं। यानी कि अगर आप आते हैं अपने वाहन से तो आप अपने वाहन को वहाँ पर सुरक्षित रख सकते हैं। इधर बाइक पार्किंग है और इसी रास्ते से होकर के आप लोगों को लुगुबुरु घंटाबाड़ी की यात्रा को करनी है। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये चोरगावा की तरफ से हम लोग चढ़ रहे हैं और अभी हम लोग सभी फ्रेंड्स आगे आगे चल रहे हैं। और ये प्लेस देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, घने जंगलों को आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ से जो दूरी होती है वो लगभग 4 से 5 किलोमीटर की पहाड़ की दूरी होती है और टाइमिंग जो होता है वो 1.5 से 2 घंटे लगने वाली है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग रहेगा आज का। और ये नाला आप देख पा रहे हैं, यहाँ से पानी बहते हुए निकलती है और ये चोरगावा है। देख सकते हैं कि कुछ भैया लोग आए हैं पहाड़ से लुगुबुरु घंटाबाड़ी का दर्शन करके। तो भैया कैसा लगा? बहुत मजा लगा। अच्छा लगा? अच्छा लगा। कब चढ़े थे आप लोग? हम लोग कल कम से कम 7:30 बजे शाम को आप लोग चढ़े थे। तो कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग है कहाँ से? उदरा, मयूरभंज, मधुरगंज से। और कितने सालों से आप आ रहे हैं यहाँ पे? 3 वर्ष। 3 वर्ष हो गया ना। इधर आप देख सकते हैं छोटी सी बच्ची, हाई करो कैमरा, हाई करो। हाई मैं बेटी, देख सकते हैं काफी अच्छी लग रही है। अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा। चलिए थैंक यू सो मच। तो चलिए और भी लोगों से मिलवाते हैं आप लोगों को, आ जाओ फिर से जोर से। आप देख सकते हैं कुछ छोटे छोटे बच्चे इस पहाड़ को चढ़ रहे हैं, लुगुबुरु घंटाबाड़ी पहाड़ को। सो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि अभी भी कुछ लोग हैं जो लुगु बाबा का दर्शन करके नीचे उतर रहे हैं। कहाँ से आए आप लोग? जैनामढ़ से। पहली बार आए हैं कि इससे भी पहले आए हैं? पहले भी आए हैं। तो आप लोग कब पहाड़ चढ़े हुए थे? कल और आज पूजा करके निकल गए। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मयंक को प्यास लग चुका है, वो पानी का बोतल खोल चुका है, पी भी रहा है। और आप लोगों से भी निवेदन रहेगा, अगर आप कोई भी पहाड़ की यात्रा को करते हैं तो प्लीज़ एक दो बोतल पानी की बोतल जरूर ले लें, ताकि पहाड़ की यात्रा करने के समय में काफ़ी थकावट होती है, प्यास लगती है, तो वो काम दे सके आपको पीने के टाइम पे। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि कुछ भैया लोग आए हुए हैं। तो कहाँ से आए भैया आप लोग? हम लोग आए हैं राजनगर। राजनगर से आए हैं? और पहली बार आए कि इससे भी पहले आए हैं? आए हैं पहले भी, इसी तरह का नहीं आए हैं। कैसा, ज्यादा थकावट आया है ना? थका पहली बार नहीं आए हैं। रूट चेंज हो गया, अच्छा अच्छा, डायरेक्ट वाला हो गया, यूनिक टाइप से आए हैं। अच्छा, यूनिक टाइप से आए। अच्छा। सो गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा पुल मिलेगा, बांस का बनाया हुआ, लकड़ी का। और यहाँ पे एक छोटा सा झरना देखने के लिए मिलेगा और इधर विधायक जी हैं। अच्छा। एक बार हाई करिएगा इधर। चलिए इधर आप देख सकते हैं एक छोटा सा पूजा स्थल आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। सभी कोई पूजा करके वापस उतर रहे हैं। कहाँ से हैं सर?
उड़ीसा से आप देख सकते हैं पहला एक यात्री मिले हैं जो उड़ीसा से आए हैं और भी लोग हैं आप देख सकते हैं, इन लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे। कहाँ से हैं आप लोग? उड़ीसा। सब उड़ीसा से। और आप देख सकते हाय, देखिए एक बेबी छोटी सी है, रो रही है, घर जाने के लिए रो रही है। घर जाने के लिए नहीं, पिछले तो चल रही है। बहुत सारे यात्री लोग हैं जो यहाँ पे रुके हुए हैं, विश्राम कर रहे हैं और सभी को लुगू बाबा लुगू आए का दर्शन करने के बाद यहाँ पे रुके हुए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से इस पहाड़ को चढ़ा जा रहा है और सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा इसी जगह पे होती है। देख सकते हैं काफी खड़ा पहाड़ है और इसी को हम लोगों को चढ़ना है, भाई लोग भी चढ़ रहे हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे सभी को पूजा करके वापस उतर रहे हैं और बहुत सावधानी से उतरना पड़ रहा है। और ऊपर से पहाड़ों से नीचे का जो दृश्य है ना भाई साहब, गजब का, माइंड ब्लोइंग। सो कैमरामैन फोकस करो, सब भैया लोग थक गए हैं और हम लोग खुद फोकस हो गए हैं, आप देख सकते हैं। सब दही बूंदिया हो गया है, थक के चूर चूर हो गए हैं। और अच्छा सो दोस्तों लगभग अब हम लोग पहुंच चुके हैं, यहां से महज 5 मिनट की दूरी तय करना बाकी है, लगभग 1.5 किलोमीटर की होगी। और इधर भी आप देख सकते हैं, क्या नाम है? पिरिसा सोरेन। पिरिसा सोरेन, कैसा लगा यहां पे आकर के? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा, आप देख सकते हैं बहुत क्यूट सी है, एक बार हाई कर दो इधर। हाई कर दो। हाय, आप देख सकते हैं। सो दोस्तों आप देख सकते हैं कि फाइनली हम लोग लुगु बुरु घंटाबाड़ी में पहुंच चुके हैं और पहाड़ के ऊपर शिखर तक हम लोग आ चुके हैं। और अभी और इधर देख सकते हैं लुगु बुरु घंटाबाड़ी में बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो यहाँ पे रुक रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे लाइन लगा हुआ है और ये गेट बना हुआ है, इसी गेट से आपको प्रवेश करना है और उसके बाद आप लुगु बाबा लुगु आयो का दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से लाइन लगने के बाद इस बार काफ़ी लंबी लाइन आप लोगों को देखने के लिए मिल रही होगी यहाँ पर, और काफ़ी पीछे तक लाइन गई है। और पीछे में जो काफ़ी ज़्यादा भीड़ आप देख पा रहे होंगे, ये भीड़ दो रास्तों की तरफ से आती है, एक ललपनिया वाटरफॉल के तरफ से चढ़ने का ये रास्ता है और दूसरा रास्ता है इन जंगलों के माध्यम से आप आ सकते हैं जो चोरगावा के तरफ से आती है ये रास्ता। और देख सकते हैं किस तरह से भीड़ है ऊपर में, सभी को दर्शन करने के बाद वापस अपने घरों के लिए भी जा रहे हैं कुछ लोग हैं। और इधर आप देख सकते हैं जंगलों में छोटे छोटे दुकान हैं और इधर आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर ठहरे हुए हैं, विश्राम कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे इधर। सो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम लोग लुगु बुरु लुगु घंटा बाड़ी के समीप में आ चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइन किस तरह से लाइन लगी हुई। और आप देख सकते हैं सभी को पूजा की थाली वगैरह लेके जा रहे हैं पूजा करने के लिए। और आप देख सकते हैं कहाँ से आए हैं सर आप? असम से। आप देख सकते हैं कि असम दिगवा डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। और कब आए थे आप? परसों रोज आए थे, मतलब 2 दिन पहले, आज से 2 दिन पहले ही आए हैं और लाइन वन तरीके से पूजा को कर रहे हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। तो चलिए अब आप लोगों को लुगु बाबा हम लोगों आयो का दर्शन करवाते हैं। बैरिकेटिंग किया गया किस तरह से सभी को घुमा घुमा के अंदर की ओर लेकर के जा रहे हैं। तो यहाँ पे कोई रसम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पैसा वैसा डाला जाता है और उसके बाद यहाँ से माथे में छिड़काव करते हैं पानी से और उसके बाद फिर आगे की ओर बढ़ते हैं, आप देख रहे होंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एक बाबा जी आए हुए हैं। जय हो बाबा। कहाँ से आए बाबा? कुटासू बाबा, बाबा मधुनेश्वर धाम से बाबा, नागराज। आप देख सकते हैं नागराज के साथ और सही में नागराज के जैसे को दिखाइए कैमरा में थोड़ा सा। जय बाबा। देख सकते हैं काफी करो सगलेर मन जाय करो आनंद दियो बाबा। जय बाबा। ये लाइन देख सकते हैं काफी लंबी लाइन है यहाँ पे और आइए इन लोगों से कुछ बातचीत करने का प्रयास करते हैं। चूड़ा वगैरह चढ़ाया जाता है, गुड़ है, बेलपत्र है और पानी वगैरह है। कहाँ से आए आप लोग? बीरभूम वेस्ट बंगाल। आप देख सकते हैं बीरभूम वेस्ट बंगाल से आए हैं। और अभी आप लोग कहाँ से आए? हाई कठारा से आए। कहाँ से? कठारा। कठारा से। आप देख सकते हैं कठारा से, झारखंड से, बोकारो से। देख सकते हैं कि काफी भक्त है जो लाइन बहुत तरीके से आए हुए हैं और इस गुफा के अंदर प्रवेश करने वाले हैं और अभी चलने वाले हैं लुगु आयो का दर्शन करने के लिए। तो हम लोग भी चलेंगे इसी गुफा के अंदर और आप लोगों को दर्शन करवाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लुगु आयो का प्रवेश द्वार है, गुफा है और इसी गुफा से प्रवेश करके आप लोगों को मैं लुगु आयो का दर्शन करवाने वाला हूँ। तो चलिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ। अभी आप और ये देख सकते हैं यहाँ प्रणाम करने के बाद ही प्रवेश कर सकते हैं और यहाँ पे क्या परंपरा। तो आप देख सकते हैं कि फाइनली हम लोग गुफा के अंदर में प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ देख सकते हैं किस तरह से पूजा अर्चना चल रही है। तो चलिए अब देख सकते हैं काफी भीड़ है यहाँ पे गुफा के अंदर में और
आप देख रहे होंगे यहाँ पे, और देखिए किस तरह से गुफा को बनाया गया है। ये ऊपर की जो सतह है वो बिल्कुल चट्टान है, और इसी गुफा से होकर के प्रवेश करना है सभी यात्रियों को। और देख सकते हैं किस तरह से भीड़ है आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन। यहाँ देख सकते हैं किस तरह से पूजा होती है, और यहाँ देख सकते हैं सभी कोई लाइन लग करके आ रहे हैं पूजा करने के लिए। सो दोस्तों फाइनली हम लोग लुगु आयोग के गुफा के पास पहुँच चुके हैं, और इधर आप देख सकते हैं भीड़ किस तरह से, मेरे पीछे भीड़ आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, और इधर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, और सभी को लाइन से ही जा करके दर्शन को कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलिए आगे आप लोगों को भी दिखाते हैं। सो दोस्तों आप देख सकते हैं ये लाइन, और ये लाइन सीधे आगे तक जाती है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने में एक गुफा है, और ये जो गुफा है ना, मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को जानकारी नहीं होगी, ये जो सामने में गुफा देख पा रहे हैं ये गुफा सीधे जाकर के रजरप्पा मंदिर में जाकर के निकलती है। अगर आप लोगों को जानकारी नहीं है तो मैं बता दूं, और ऐसा कहा जाता है कि इस गुफा के अंदर में एक ऐसा हिरन है जो सोने का है, और उसे एक श्राप मिला था जिसके वजह से वो हिरन सोने का मिल गया है। ये देख सकते हैं यहाँ पे पूजा किया जा रहा है और प्रसाद को चढ़ाया जा रहा है यहाँ पे। ये देख सकते हैं यहाँ पे पूजा किया जा रहा है, और देख रहे होंगे किस तरह से भीड़ आप लोगों को दिखाई दे रही होगी यहाँ पे। अब थोड़ा सा मस्तक में हम टीका लगाते हैं बाबा जी से, और थोड़ा सा प्रसाद को भी हम लोग ग्रहण करते हैं यहाँ से, और हमारी जो टीम आई है और सभी टीमों के लिए ये प्रसाद हम लोगों ने यहाँ से ले लिया लुगु आयोग का यहाँ से। अब चलेंगे लुगु बाबा का दर्शन करवाने के लिए। भैया ये जैसे लुगु बाबा लुगु आयोग का जो पूजा आज हो रहा है, ये कितने दिनों तक चलेगी पूजा? आपका यूट्यूब में पहला नमस्कार, ये पूर्वज से आ रहा है पूजा, प्रकृति पूजा है। जी जी जी, और हम लोग इस लुगु बाबा एक संथाली का धर्म स्थल है। हाँ, ये विश्व का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। जी जी जी, इसमें ये दोहराई की बात नहीं है कि हमारा मतलब पूर्वजों से जी जी चलता आया है और चलता रहेगा। जी जी जी, तो ये जैसे आज 26 नवंबर है, कल 27 है, तो क्या यहाँ पे दो दिन पूजा चलेगी? दो दिन पूजा चलेगी, और दिन रात 24 घंटे चलेगी। 24 घंटे चलेगी। जी जी जी, और शायद हमको लगता है जिस तरह का भीड़ है जी जी, तो 27 के बाद 28 को भी हो सकता है, 27-28 कंटिन्यू भी चल सकती है। और ये कार्तिक पूर्णिमा में ही क्यों लगती है, इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? इसका लॉजिक यही है कि हम लोग सोहराय कुनामी को माना जाता है, इसीलिए हम लोग लुगु बाबा और लुगु माता को हम लोग मानते हैं। जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने जाना कि लुगु बाबा लुगु आयोग को कार्तिक पूर्णिमा में ही क्यों पूजा की जाती है, और यहाँ पे लगभग 3 दिनों तक पूजा कंटिन्यू चलने वाली है, तो अगर आप लोग अभी तक नहीं आए हैं तो आप लोग जरूर आए। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे लुगु बाबा का दर्शन करने के लिए किस तरह से भीड़ है, और देख सकते हैं यहाँ पे लुगु बाबा का दर्शन करने के लिए भीड़ किस तरह से है, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ आज सुबह से ही यहाँ पे लगी पड़ी है, और इधर कमेटी के लोग भी हैं, और इधर आप देख सकते हैं, और ये प्राकृतिक की पूजा होती है, इसीलिए बिल्कुल लुगु पहाड़ की चोटी में हो रही है ये पूजा। आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी को प्रवेश किया कराया जा रहा है, और फिर यहाँ पे बैरिकेडिंग कर दिया जा रहा है ताकि और आगे कोई प्रवेश ना कर सके। और आज जो भीड़ है ना भाई साहब, गजब का भीड़ है, आप देख रहे होंगे। और आज पहला दिन है कार्तिक पूर्णिमा का, और पहला दिन में आप देख सकते हैं किस तरह से भीड़ है, और हम आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि देख सकते हैं पूरा लाइनवर तरीके से घुमाया जा रहा है चारों तरफ, उसके बाद जा कर के लुगु बाबा का दर्शन करने के लिए दिया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भीड़ किस तरह से भीड़ है, और सभी कोई लाइन लगे हुए हैं पिछले 2 घंटे से ही, और काफ़ी लंबी लाइन आप लोगों को दिखाई दे रही होगी यहाँ पे। इधर देख सकते हैं काफ़ी भीड़ आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। सो दोस्तों फाइनली अब हम लोग पहुंच चुके हैं लुगु बाबा के गुफा के पास में, और लुगु आयोग का दर्शन करवाने के बाद मैं आप लोगों को लुगु बाबा का दर्शन करवाने वाला हूं। देख सकते हैं छोटी सी बच्ची भी आई हुई है। बाबू हाय करो एक बार, हाय करो। कहां से आए हो? धनबाद से। आप देख सकते हैं ये रहा लुगु बाबा बॉलिंग द्वार। तो चलिए अब चलते हैं, बारी है लुगु बाबा का आप लोगों का दर्शन करवाने की। और यहाँ पे देखिए प्रवेश करने से पहले प्रणाम किया जाता है ऊपर में, और उसके बाद ही यहाँ से प्रवेश किया जाता है। चलिए जय लुगु बाबा। मैम आई हुए हैं, कहाँ से आए मैम? बोकारो। बोकारो से? देखिए हम भी बोकारो से, मैम भी बोकारो से, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। कितने सालों से आप यहाँ पे आ रहे हैं? हो गया 3-4 साल। 3-4 साल, कैसा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद? आके बहुत अच्छा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि फाइनली हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। ये देख सकते हैं
और यहाँ पे प्रसाद को भी चढ़ाया जाता है। आप देख रहे हैं जिस तरह से यहाँ पे सभी को यात्री जो प्रसाद लेकर के आते हैं यहाँ पे चढ़ाते हैं सभी को एक एक करके। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये लुगु बाबा का प्रमुख मंदिर है और इसी मंदिर में इसी जगह इसी स्थल पे आकर के जितने भी संताली समाज के लोग होते हैं पूजा अर्चना करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जब लुगु बाबा का आप दर्शन करते हैं उसके बाद इसी रास्ते से होकर के आपको निकलना है और आप देख सकते हैं किस तरह से निकलते हैं यहाँ के जो भी भक्त होते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप लुगु आयो एवं लुगु बाबा का दर्शन करते हैं उसके बाद ये यात्रा आपकी खत्म नहीं होती, उसके बाद आप लोगों को जहर आयो में आप लोगों को पूजा करना पड़ता है। गाइज ये देख सकते हैं हमारी YouTube फैमिली हमारे वीडियो को वॉच करके आज लुगु बुरु घंटाबाड़ी में पहुंचे हैं। एक बार हाई कर दीजिएगा भैया लोग आप लोग। और इधर से एक छोटी सी क्यूट सी बच्ची हाय, और इधर भी आप देख सकते हैं काफी अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग भी हमारा देखिएगा। बाय बाय सभी को। सो दोस्तों आप देख सकते हैं सभी को यात्रा करके वापस अपने घरों के लिए जा रहे हैं और देख सकते हैं किस तरह से उतरने के बाद परेशानियां होती है, इसलिए संभाल करके उतरे और चढ़े भी। आप देख सकते हैं सभी को लगेज वगैरह लेकर के चल रहे हैं पूरे पहाड़ में। इधर आप भी देख सकते हैं भैया आ रहे हैं। हाय कीजिएगा भैया। हाय हाय। थक गए, थकने के बाद कुछ इस तरह से बैठ के आराम किया जाता है। इधर भी आप देख सकते हैं मयंक आगे आगे, काफी मजा लग रहा है। क्या मयंक? बहुत मजा भैया। और ये जो चढ़ाई है ना भाई साहब, गजब की चढ़ाई, इसमें आप अगर चढ़ते हैं तो थोड़ा सा संभल करके। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अभी भी शाम के 4 बज रहे हैं और अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं श्रद्धालु लोग जो लुगु बुरु घंटाबाड़ी की यात्रा को करने के लिए पहुंच रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कहां से आ रहे हैं मैम आप लोग? जमशेदपुर, टाटा जमशेदपुर से, मतलब झारखंड से ही हैं। पहली बार आ रहे हैं कि इससे भी पहले आए हैं? दूसरा बार आ रहे हैं। चलिए आपकी यात्रा मंगलमय हो। इधर भी आप देख सकते हैं और जैसे जैसे शाम ढल रही है वैसे वैसे भीड़ आपको इस पहाड़ों में दिखने के लिए मिलेगा। आंटी जी तो पेड़ ही उठा के ले आए हैं। आंटी पेड़ ले आए हैं आप? पेड़ ले आए हैं उठा के? ये पेड़ को कहाँ लुगु पहाड़ में लगाइएगा? नहीं तो घर ले जाइएगा। ताकत है, देख सकते हैं आंटी का साहस। एक बार इधर हाई कर दीजिएगा आंटी मुड़ के। ये देख सकते हैं हाई कर रही आंटी। सो गाइज आप देख सकते हैं अब हम लोग लगभग 50% उतर चुके हैं और 50% उतरने के बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ ऐसे भी श्रद्धालु हैं जो अभी अभी चढ़ रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? टाटा से। ये पूरा टीम टाटा से ही है क्या? अभी कुछ आगे भी गए वो लोग भी टाटा से, आप लोग भी टाटा से हैं? हाँ। तो कितने सालों से आप लोग आ रहे हैं यहाँ पे? फर्स्ट टाइम। कैसा लग रहा है आके पहाड़ों में? एक बार पीछे मुड़ के हाय कीजिएगा सबको। इधर हाय। सो गाइस देख सकते हैं पसीना पसीना हो चुके हैं और अभी हम लोग 50% उतर चुके हैं। क्या मैंक? हाँ। और आपको मैंने आगे ब्लॉग में भी दिखाया था ये पुल और अभी हम लोग इसी पुल पे हैं और इसी पुल से फिर 50% उतरना है और मुझे लगता है लगभग 45 मिनट में हम लोग उतर जाएंगे। तो चलिए आप लोग बने रहिए आप लोग को। सो दोस्तों अब काफी हम लोग थक चुके हैं यहाँ पे और हमारे जो फ्रेंड्स है वो पीछे हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, देखते हैं कितने देर में आते हैं। और आप देख सकते हैं हमारी एक आंटी जी यहाँ पे मिली है। कहाँ से आए आंटी आप? ये किधर है? मयूरभंज। अच्छा, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से आप आए हैं। कैसा लगा यहाँ पे यात्रा करके? बहुत अच्छा। कितने बार आ चुके हैं अभी तक? पहली बार आई हूँ। पहली बार, एक्सपीरियंस अच्छा रहा इस बार का ना? हाय। देख सकते हैं कितनी क्यूट सी बाबू जा रही है। और मयंक आ गए आगे। थक गए क्या आप लोग? हाई कर दीजिए बढ़िया। हम लोग दार्जिलिंग से। दार्जिलिंग से? अरे वाह, गुरु से फिर भी पहले ऐसे हम देख रहे हैं कि जो दार्जिलिंग से हैं।
काफी अच्छा लगा आपको झारखंड की धरती लुगु पहाड़ में, हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद, हमें भी बहुत इच्छा थी। यूट्यूब ये किए हैं तो हम भी आ गए। चलिए चलिए चलिए, पहली बार आए मैम या इससे भी पहले आए? नहीं नहीं, पहली बार ही आए। यूट्यूब में वीडियो देख करके आए? जी बिल्कुल। कौन सा चैनल का देखे थे, याद है कुसिया? इधर भी आप देख सकते हैं। मैम हाई कर दीजिए एक बार। हाय। छोटा बाबू भी जा रहा है लुगु बुरु घंटा बाड़ी। बाबू यस, एक नंबर फोटो आ गया तुम्हारा। एक बार हाय कर दो बाबू। हाय। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? उड़ीसा से। आप देख सकते हैं उड़ीसा से आए हैं, इधर देख सकते हैं। कैसे हैं बाबा? ठीक है। कहाँ से हैं? टाटा जमशेदपुर। ठीक है, चलिए आपकी यात्रा मंगलमय हो। लुगु पहाड़ की यात्रा करना आसान नहीं है भाई साहब, आप देख सकते हैं। कितना कठिन लग रहा है मैम? बहुत ज्यादा कठिन। और भैया आगे आगे जा रहे हैं, देख रहे हैं। एक बार हाय कीजिएगा भैया आगे से। ये देख सकते हैं भैया हाय कर रहे हैं। सो दोस्तों आप देख सकते हैं भैया कहाँ से आए हैं? यहीं से, नारन से। नहीं समझे, किधर से? नारन। और इधर भी आप देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं अभी भी लोग आ ही रहे हैं लुगु पहाड़ की यात्रा को करने के लिए, लुगु बुरु घंटाबाड़ी की यात्रा को करने के लिए। हाय, ब्लॉग कर रहे हैं क्या? हाँ। आप देख सकते हैं एक और ब्लॉगर। सो दोस्तों आप देख सकते हैं हम लोग फाइनली नीचे उतर चुके हैं, और अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो लुगु बुरु घंटाबाड़ी की यात्रा करने के लिए जा रहे हैं। सो दोस्तों हम लोग फाइनली नीचे उतर चुके हैं, और हम लोग को उतरने में कितना टाइम लगा मयंक? लगभग 35 मिनट। लगभग हम लोग को 45 मिनट का समय लगा, और चढ़ने में 2 घंटा। अगर आप चोरगावा की तरफ से चढ़ते हैं और उतरते हैं तो काफ़ी आसानी होगी। और उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का ये ब्लॉग वीडियो लुगु बुरु घंटाबाड़ी का संपूर्ण यात्रा का ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग इस वीडियो को देख पाएँ। तो चलिए जल्द मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर। अपना अपने परिवार का ख्याल रखें, और जय लुगु बाबा, जय लुगु आयो।